हेलो एवरीवन वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीकॉम जी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट कोर्स कोड है बीसीओसी 132 कोर्स टाइटल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2024 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं वो इस असाइनमेंट को सबमिट करा सकते हैं ओके असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड रेगुलेशन समझ लेते हैं ओके okay? क्या क्या रूल्स uh, हैं जो आपको फॉलो करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए आपको ए फोर साइज पेपर यूज करना है आपको रूल्ड पेपर यूज करना है गाइज आप ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज करेंगे आपको आंसर्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी लिखने हैं तो क्वेश्चंस के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और आंसर के लिए ब्लू पेन ओके जैसे हमें स्कूल uh, में बेटर हैंड राइटिंग का मार्किंग में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता था तो उसी तरह से यहाँ भी है तो अपने असाइनमेंट को थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाइएगा एक आंसर फिनिश हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट थ्री फोर लाइन का गैप दीजिएगा एक बार आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसे एक फाइल में अरेंज करना है एंड मेक श्योर आप अपनी आंसर शीट पर पेज नंबर्स मार्क करना मत भूलिएगा ओके okay? तो सबसे पहले एक फ्रंट पेज लगाना होता है जिसमें हमें कुछ डिटेल्स फिल इन करनी होती है ये फ्रंट पेज का फॉर्मेट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आप लगाएंगे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर उसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद आप लगाएंगे अपनी आंसर शीट जो हैंड रिटन आंसर शीट होगी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओके तो एक बार आपकी अगर फाइल प्रिपेयर हो जाती है तो आपका जो भी अलॉटेड स्टडी सेंटर है उसके कोऑर्डिनेटर के पास विद इन टाइम फ्रेम आप अपनी असाइनमेंट फाइल को सबमिट कराएंगे ऑल राइट right? तो चलिए जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले तो हमें फ्रंट पेज लगाना है तो उसकी भी डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या आपको फिल इन करना है तो गाइज ये आपके असाइनमेंट का फ्रंट पेज है इसमें सबसे पहले आप अपने स्टडी सेंटर का कोड मैंशन करेंगे फिर आप अपने प्रोग्राम का नाम देन आपका एनरोलमेंट नंबर उसके बाद आपका नेम जिस भी सब्जेक्ट uh, के लिए आप सबमिट करा रहे हैं असाइनमेंट उसका कोर्स कोड एंड कोर्स टाइटल मेंशन करेंगे देन यू विल मेंशन द सेशन एंड देन आपका एड्रेस फोन नंबर एंड ईमेल लास्ट में डेट ऑफ सबमिशन जिस डेट को आप सबमिट कराने जा रहे हैं वो डेट यहाँ पर मैंशन करेंगे और नीचे साइन करेंगे ये तो हो गया आपका फ्रंट पेज इसके बाद आपको लगाना है अपना क्वेश्चन पेपर सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर गाइस बी सी वन थ्री टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर आपका तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी जब आप अपना असाइनमेंट लिखेंगे तो ऊपर सेक्शन मेंशन कीजिएगा राइट सेक्शन ए ऑन टॉप उसके बाद कीजिएगा सेक्शन ए के क्वेश्चन एंड आंसर्स सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है तो स्टार्ट सेक्शन बी विद अ न्यू पेज मेंशन सेक्शन बी ऑन टॉप एंड देन डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ सेक्शन बी सिमिलरली यू हैव टू डू विद सेक्शन सी स्टार्ट मेंशन सेक्शन सी ऑन टॉप एंड देन डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ सेक्शन सी ओके तो चलिए अब हम अपना असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं So, this is your assignment, guys BCOC 132, Business Organization and Management. On top, uh, you have to mention Section A, and then you will start writing the question and answers of Section A. Best of luck, guys, for your assignment. और इसके साथ ही हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है गाइज एंड गाइज इफ यू रियली लाइक कंटेंट, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज बॉल्स एंड रिसेंटलीव्ड फ्रॉम समाइज इट डजेंट हेम्पर मी अगर आपको कुछ भी नेगेटिव स्प्रेड करना है या यू वॉन्ट टू कॉल मी अंगन आई एम सो सॉरी टू सेवे वेरी इफ योर कॉलिंग पेंगु अ वर्स्ट क्रिएचर ओके दे आर वेरी क्यूट

so you're most welcome all right and yes guys those who always support me please subscribe to this channel as well and click on the bell icon also so that you should not miss on any notifications i will be uh, completing all the assignments soon maybe in a day or two i'll try okay chapters previous year question papers 10 year papers i'll try to do as much as i can all right i want to make it full time but for that i need your support Okay, if I'll get good results, definitely I'll do it. If I won't get uh, replies from you, then it would be very difficult for me to, you know, um, I have to give priority. If you want to give, um, you know, you want me to give priority to each and everything over here, it's not that they, I don't prioritize it, but because uh, being a single parent, I have other responsibilities to take care of. I have a child as well. So you can understand if you want me to give my full time into it, then of course I need support from you guys as well. ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय